भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज जन्मदिन है। एक महान वैज्ञानिक और शांत व्यक्तित्व के धनी कलाम ने हमेशा से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। भारत ने कलाम की अगुवाई में ही सबसे खतरनाक और घातक डिफेंस मिसाइलों का निर्माण किया, लेकिन भले ही मिसाइलों के निर्माण में उनका योगदान रहा हो, लेकिन वो एक बेहद ही सहज और सरल नेता के तौर पर दुनिया में जाने जाते थे। उनका व्यक्तित्व पूरी दुनिया के लिए प्रेरणास्पद रहा है। एक अच्छे वैज्ञानिक होने के साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे। वर्ष 1962 में कलाम पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पहुंचे। जब भारत ने अपना स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान LSV-3 बनाया, तब कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया, जिसके चलते अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक में शामिल हुईं। एपीजे अब्दुल कलाम 1992 से 1999 तक रक्षा सलाहकार भी रहे, और जब वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया तो भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। कलाम साहब की ही अगुवाई में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल और री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल पर खूब काम हुआ, और पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग नाम की मिसाइलों का निर्माण हुआ। साल 1985 में त्रिशूल का परीक्षण हुआ, फरवरी 1988 में पृथ्वी और मई 1989 में अग्नि का परीक्षण किया गया। इसके बाद 1998 में रूस के साथ मिलकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। ब्रह्मोस धरती, आसमान और समुद्र कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस सफलता के बाद कलाम को मिसाइल मैन की ख्याति मिली। एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।